खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की तलाश जारी है। अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब पुलिस जुटी हुई है। लगातार दबिशें दी जा रही है। अमृतपाल को लेकर यूपी उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर अमृतपाल के पोस्टर लगाए गए हैं। अमृतपाल के चार साथियों के भी पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। नेपाल भाग सकता है अमृतपाल, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही यूपी नेपाल सीमा पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। यूपी उत्तराखंड पुलिस के संपर्क में पंजाब पुलिस है और लगातार यहाँ पर दबिश दी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अमृतपाल की गिरफ्तारी होगी कब। और उसके तीन साथियों के विरुद्ध जो है पंजाब सरकार द्वारा लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। ये विभिन्न अभियोगों में वांछित है। तो पूर्व में भी इतिहास रहा है कि उधम सिंह नगर में पंजाब से जब भी मेजर क्राइम्स होता है तो क्रिमिनल्स जो है शरण ले लेते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर हर जगह पे अलर्ट जारी करा है। तीन कंपनी पीएसए अतिरिक्त डिप्लॉय किया है, विशेष रूप से गदरपुर, बाजपुर, कुंडा, काशीपुर, नानकमत्ता हाई फोकस में है। उसके अलावा सितारगंज, रुद्रपुर भी हाई फोकस में है। विभिन्न चेकिंग पॉइंट्स बनाए हमने, सारे बॉर्डर हमारा एक्टिवेटेड है। बॉर्डर पर सघन चेकिंग किया जा रहा है, आने जाने वालों की चेकिंग किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नजर बनाया गया है। एक दो लोग थे जिन्होंने बहुत भड़काऊ पोस्ट किया है, उनके विरुद्ध एफआईआर भी करा है। सोशल मीडिया में हमने सघन नजर बनाए रखे हैं। मेरी सबसे अपील है, मेरी सबसे अपेक्षा है, एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया में देखिए, जो भी एफआईआर हुआ है, जो भी अभियोग पंजीकृत हुआ है, उसमें वो अपना न्यायिक प्रक्रिया अधीनस्थ है। इसको लेकर अनावश्यक जो भी लोगों को बहकाते हैं, भड़काते हैं या फिर माहौल खराब करने वाला कोई भी संदेश भेजते हैं और यहाँ पर शांति व्यवस्था खराब करते हैं, तो उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा।